लो भाइयों, आज हमारे सामने एक ऐसी गाड़ी खड़ी है जिसे आप देखकर क्या आधा ही देखकर पहचान जाओगे। ये देखो भाई, इसे हम किंग ऑफ इंडियन एसयूवी भी कहते हैं, टोयोटा की फॉर्च्यूनर। लेकिन ये गाड़ी आपको थोड़ी अलग से दिख रही होगी। वैसे तो ये 2016 का मॉडल है, अभी वाला मॉडल नहीं है जो करेंटली आता है, वो तो काफ़ी अलग है। लेकिन ये गाड़ी फिर भी आपको 2016 के हिसाब से भी काफ़ी अलग दिख रही होगी। अब अलग क्यों दिख रही है, तो भाई इसका रीज़न है कि ये गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशन कराए गए हैं ओनर द्वारा। पहला मॉडिफिकेशन तो आपको मैं अपने हाथों से दिखा देता हूँ। ये भाई देखो, ये देखो भाई, ऐसी फॉर्च्यूनर कहीं दिखी है आपको आज तक, ऐसी लाइट वाली? तो भाई लाइट के साथ इसमें और भी काफ़ी चेंजेस हैं। पहले बात करते हैं जो लाइट जल रही है इसमें, इसमें क्या मैजिक है जो इसमें, देखो भाई, अब देखो ये कुछ और तरीके से जलेगी, अब कुछ और तरीके से जल रही है। और ये देखो भाई, अब थोड़ा सा और मूड चेंज हो गया। और देख लो भाई, अंदर कोई ड्राइवर भी नहीं बैठा है। तो भाई आखिर ये हो कैसे रहा है? तो ये देखो भाई, इसका राज है ये है भाई, इसमें आपको ये एक बटन है बंद करने के लिए और बाकी तीन बटन मोड चेंज करने के लिए। तो भाई अब इसकी बात तो हो चुकी है, अब आगे बात करते हैं। भाई आपको जो ये पहले आपको जो दिख रहा है बम्पर रेडिएटर जिसे बोलते हैं, ये काफ़ी आपको क्रोम सा पहले दिखता होगा आपकी। अब जो पुरानी फॉर्च्यूनर्स वगैरह हैं, अभी भी जिस फॉर्च्यूनर आती है वो सब इसमें क्रोम का आता है, लेकिन इसको ओनर ने मॉडिफाई करवाया है, इसे ब्लैक कलर का लगवाया जो कि काफ़ी अच्छा और बॉक्सी सा लुक देता है इस गाड़ी को। और देखो भाई, ये बम्पर गार्ड भी बाहर से लगवाया ओनर ने आफ्टर मार्केट। और अब देखो भाई, हेडलैम्प्स इस गाड़ी के हैलोजन आते हैं, जिसका थ्रो भी कुछ खास नहीं था इस गाड़ी के हिसाब से। लेकिन अब देखो भाई, प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प्स के सेटअप के साथ डीआरएल बहुत ही प्यारा से, मतलब अच्छा लगता है देखने में, थ्रो भी काफ़ी अच्छा है। डीआरएल देखो भाई, ये देखो भाई, दोनों तरफ का डीआरएल एकदम नए जमाने की गाड़ी बना दी है भाई। 4-5 साल हो गया फिर भी इसके डीआरएल्स वगैरह काफ़ी अच्छा लुक देते हैं इस गाड़ी को। लेकिन भाई बस आफ्टर मार्केट काम तो आफ्टर मार्केट होता है, इतने अच्छे डीआरएल हैं मगर फ्यूज़ हो गए। अब भाई इतनी दूर से इसको लगवाया गया, हमारे यहाँ से लगभग 600 किलोमीटर दूर है जहाँ से इसको लगवाया गया। अब भाई इतनी दूर डीजल फूंक के जाना और एक डीआरएल के लिए वर्थ नहीं है, इसीलिए ये अभी एक ही आँख से चल रही है, मतलब एक डीआरएल इसके फ्यूज़ हैं। अब देखो भाई, ये जो आपको फॉग लैंप दिख रहे हैं ये भी एलईडी अपग्रेड कराए गए हैं। तो अब भाई इसके चलते हैं इसके साइड प्रोफाइल में, देखते हैं साइड में क्या क्या अपग्रेड कराया गया है। साइड में तो बाकी कुछ नहीं, बस ये जो टायर्स हैं आपके, ये भाई बाहर से लगवाए गए। पहले हम लोग 18 इंच के टायर लगवाने का प्लान कर रहे थे, लेकिन फिर 17 इंच के ही टायर लगवाए गए ओनर द्वारा। ये देखो भाई, और इसमें योकोहामा के टायर लगाए हैं, जिसका 4 का सेट आया था लगभग 52,000 रुपये का। अभी भाई अंदर भी चलेंगे, पहले चलते हैं इसके रेयर साइड पर। हाँ, रेयर में जाने से पहले बता दूँ इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस। तो इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस जो आपको देखने को मिलता है वो मिलता है 220 mm। लेकिन हो सकता है बहुत लोगों को लगे कि ये इंडिया की सबसे ऊंची एसयूवी है, लेकिन भाई आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूँ कि इससे ऊँची एसयूवी भी इंडियन मार्केट में है, जिसका नाम है एल्टिवरस G4, जो कि महिंद्रा की है, उसकी 244 mm है ग्राउंड क्लियरेंस। अब चलते हैं भाई, इस गाड़ी का बूट वगैरह भी आपको दिखाएंगे। उसके पहले देखो भाई, रेयर में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया गया, ज़्यादा कुछ मॉडिफाई नहीं किया गया, बस देखो भाई ये 4 सेंसर लगाए गए हैं। ये देख लो भाई, अब मैं इसका दिखाऊंगा अंदर ये कैसे काम करते हैं। वैसे भाई इस गाड़ी में सेंसर मिलने चाहिए थे, लेकिन अब हो सकता है 2016 काफ़ी 6-7 साल हो गए हैं, तो हो सकता है इस वजह से सेंसर ना आते रहे हों उस टाइम गाड़ियों में ज़्यादा। अब भाई इसका बूट स्पेस आपको दिखाते हैं। ये देखो भाई, यहाँ से ये ओपन होता है। ये देखो भाई, अगर आप इसकी, ये तो अभी कवर वगैरह रखे हैं, अगर आप इसकी, इस गाड़ी में आपको 60-40 स्प्लिट भी देखने को मिलता है, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे। अगर आप इसको पूरा फोल्ड कर देंगे तो आराम से भाई इसमें सो सकते हो, आराम से 2-3 लोग तो आराम से सो सकते हैं। और ये देखो भाई, पूरा बैट वैट भी रखा है इसमें, कभी कभी हम इसमें इसको लेके भी जाते हैं क्रिकेट वगैरह खेलने। और भाई मतलब अगर आप घूमने गए हो, अगर एक रात के लिए रुकना है, तो इसमें आराम से सो सकते हो भाई, बहुत सही गाड़ी है सब चीज़ों के लिए, काफ़ी अच्छा स्पेस देखने को मिल जाता है बैक में। अब चलते हैं इस साइड की तरफ। देखो भाई, साइड में भी ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं कराए गए हैं, बस आपको थोड़ा ORVM दिखाने थे। देखो तो भाई, ORVM कितने बड़े मिलते हैं इस गाड़ी के। देखो, दो अल्टो के ORVM कंबाइन करोगे तब एक इस गाड़ी का ORVM बनेगा। और भाई ये तो फॉर्च्यूनर की पहचान है, तो दूर से ही आपको फॉर्च्यूनर दिख जाएगी अगर आप ये देख रहे हो, ये तो भाई फॉर्च्यूनर की पहचान है। अब चलते हैं इस गाड़ी के अंदर, लेकिन उससे पहले एक चीज़ दिखा दें, इसके बिना आप इस गाड़ी के अंदर नहीं जा सकते, वो है इस गाड़ी की की। भाई की तो एकदम ऑल्टो या कहो साइकिल वाली की देते हैं। अब देखो भाई, इसको क्या, इसको देखकर आप कहोगे ये फॉर्च्यूनर की चाबी है। देख लो भाई, भाई कम से कम फ्लिप की तो दे ही सकते थे, ये 2016 था तो भी क्या हुआ भाई, फ्लिप की तो तब भी आती थी। ये देखो भाई, तो इसमें आपको 2 बटन मिलेंगे, लॉक और अनलॉक। तो अनलॉक करके चलते हैं इस गाड़ी के अंदर। हाँ भाई, एक और चीज़, अगर आप अगर इस गाड़ी को लॉक करते हो तो ये गाड़ी आपको ऐसे साउंड करते हुए दिख जाएगी, लेकिन इस गाड़ी के जो मिरर है वो फोल्ड नहीं होते हैं। और भाई ये साउंड इसलिए कर रहे थे क्योंकि पीछे इस गाड़ी का बूट ओपन था।
और मिरर ये फोल्डेबल वाले नहीं है, अंदर से बटन से एडजस्ट होते हैं लेकिन लॉक अनलॉक करने में फोल्ड नहीं होते। चलते हैं भाई इस गाड़ी के अंदर। इंटीरियर की बात की जाए तो भाई कुछ ज़्यादा मॉडिफाई नहीं कराया गया इस गाड़ी में, बस भाई ये जो सेंसर लगे हैं पीछे उनका आउटपुट यहाँ पे आता है, बताता है भाई कितना दूर है। देखो भाई स्क्रीन लगी है पूरी। हाँ, और बात करें इंटीरियर की तो इंटीरियर भाई ठीक साक सर देखने को मिल जाएगा, लेकिन कुछ बहुत अच्छा इंटीरियर नहीं है, ठीक ठाक मिलेगा। ये भाई जिनकी गाड़ी है उनका, आपने टियागो का भी वीडियो देखा हो तो ये टियागो की भी रखी है इसमें। भाई इंटीरियर तो कुछ मतलब ठीक ठाक सा देखने को मिल जाएगा, इतनी महंगी गाड़ी के हिसाब से तो अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी ठीक ठाक सा है इंटीरियर। और भाई सबसे बड़ी बात, इस गाड़ी में आपको स्पेस बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, स्पेस से तो आप इस गाड़ी से कभी परेशान ही नहीं होगे भाई, क्या स्पेस मिलता है इस गाड़ी में। और भाई देखो आर्मरेस्ट, आर्मरेस्ट के अंदर भी भाई देखो कितना ज़्यादा स्पेस मिलता है आपको देखने के लिए, काफ़ी डीप है, काफ़ी सामान वगैरह रखे हैं इसमें बस। लेकिन आर्मरेस्ट स्लाइडेबल देना चाहिए था, स्लाइडेबल नहीं है, फिक्स वाला आर्मरेस्ट है इसमें, ये देखो भाई। अब भाई हाँ इसकी इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करते हैं। भाई इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है इसका साउंड तो बहुत अच्छा है, स्पीकर क्वालिटी भी बहुत सही आती है, लेकिन इसका जो आउटपुट है ना भाई वो उतना अच्छा नहीं है बिल्कुल, मतलब ठीक ठाक सा आउटपुट देखने को मिल जाएगा, अच्छा तो नहीं कहूँगा, ठीक ठाक सा आउटपुट है, मतलब आप इसको क्लिक करेंगे बहुत स्लो चलता है ये। अभी मैं इसको ऑन करके भी दिखाता हूँ, जब अभी ड्राइवर साइड वाली सीट पर जाएंगे, ये आपके ऑटोमेटिक एसी के कंट्रोल्स, यहाँ पे आपके एवरेज वगैरह शो करता है, अभी दिखाते हैं आपको हम। तो आइए भाई इसके चलते हैं अब ड्राइवर साइड के तरफ। हाँ भाई तो भाई हम आ गए हैं इसके ड्राइवर साइड की तरफ। अब ये देखो भाई इसमें आपको चारों पावर विंडो के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पे 1 लीटर बॉटल होल्डर देखने को मिल जाएगा। ये देखो भाई थोड़ा सा सीट पीछे करने की ज़रूरत है इसकी, काफ़ी आगे है सीट। और यहाँ पे ये देखो भाई इस गाड़ी में आपको ये देखो भाई ये एडजस्ट करने के लिए मिल जाएगा, मिरर एडजस्ट करने के लिए, और ये सब बाकी बटन नॉर्मल फीचर्स के लिए। और ये देखो भाई स्टेयरिंग पे आपको कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे वॉल्यूम के लिए। और अब इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाते हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी स्पोर्टी सा देखने को मिलता है भाई। इस गाड़ी में कंपनी क्लेम करती है लगभग 176 की हाईएस्ट स्पीड, लेकिन जिनकी गाड़ी है उनका मेरे पास वीडियो होगा, उन्होंने लगभग इस गाड़ी को 180 प्लस चला दिया था। अब ऑन करते हैं थोड़ा इस गाड़ी को, न्यूट्रल कर लिया जाए, न्यूट्रल हो गई, अब ऑन करते हैं। ये देखो भाई ये देखो काफ़ी ज़्यादा चल भी चुकी है गाड़ी, 5 साल में देख लो भाई लगभग 2 लाख के करीब है। अब देखो भाई इसका टच स्क्रीन की मैं बात कर रहा था ना, देखो भाई क्लिक करते रहो कितनी देर में ये काम करता है। ये देखो भाई इसकी MID जिसमें आपको एवरेज वगैरह शो करता है, ये एवरेज टाइम रेंज ये सारी चीज़ें शो करता है। तो अब बात करते हैं इस गाड़ी की इंजन की और इंजन नॉइस की। हाँ भाई इंजन नॉइस की, भाई इस गाड़ी मतलब ये गाड़ी जब स्टार्ट होती है ना भाई एकदम ऐसा लगता है ट्रक वरक स्टार्ट हो गया। आप देखना अभी एक्सीलेटर में लूँगा, अब आवाज़ सुनो उस गाड़ी की। आप इंटीरियर में सोचो इतनी आवाज़ आ रही तो बाहर कितनी आवाज़ आती होगी। एक बार मैं आपको इसका इंजन खोल के अभी मतलब इंजन का बोनट खोल के आपको इसकी आवाज़ सुनाता हूँ, एक मिनट भाई। तो भाई ओपन करते हैं इस गाड़ी का बोनट और आपको दिखाते हैं इस गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशंस। ये देखो भाई यहाँ से ओपन होता है इस गाड़ी का बोनट। अब चलते हैं बाहर की ओर। भाई इस गाड़ी का बोनट इतना भारी है कि आप इसको अकेले उठा नहीं सकते। और एक कंप्लेंट टोयोटा से ये है कि भाई महिंद्रा वाले अपनी स्कॉर्पियो में आपको हाइड्रोलिक स्ट्रट्स वाले मतलब बोनट उठाने के लिए देते हैं, उसमें आपको ऐसे डंडे वंडे नहीं लगाने पड़ते हैं, लेकिन इसमें पता नहीं क्यों नहीं दिए हैं भाई। इतना भारी बोनट है ना कि अकेले उठाने में हालत ख़राब हो जाती है इस गाड़ी के इंजन की। तो इस गाड़ी में आपको लगभग 3000 CC का इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि लगभग 172 BHP की पावर जनरेट करता है और 350 NM का टॉर्क जनरेट करता है। अब भाई इस गाड़ी को ऑन करेंगे आपको इस गाड़ी की आवाज़ सुनाई देंगे। भाई ऑन कर दियो गाड़ी, ये देखो भाई कितना ज़्यादा एकदम ट्रक वाली आवाज़ आपको आ रही होगी, मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही होगी लेकिन इंजन की आवाज़। भाई सुनी आपने इसकी आवाज़, एकदम ट्रक वाली आवाज़ देती है ये। तो भाई ये इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अगर आपको इस गाड़ी के बारे में और जानना है तो हमारा अगला वीडियो इस गाड़ी का ओनरशिप वीडियो होने वाला है, तो हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें।